हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक करा चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 तक में याद करिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, उसके प्रॉब्लम कराया था, फिर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बताया, उसके प्रॉब्लम कराया, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर कराया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराया, और जो फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी हम लोगों ने काइनेटिक्स बताई, सम इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने बताया। और आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन साथ साथ हाफ लाइफ के बारे में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और साथ साथ हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, आप लोग जम कर पढ़िए। और आपको बता दें, आपको इसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके नोट्स आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप खाली जम कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए और इसके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म पर वहां पर मिल जाएंगे। आप क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर स्टडी मटेरियल के कॉलम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये लेक्चर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और याद करिए, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने काइनेटिक्स ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सब हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। मेनली फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही आपके कोर्स में हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कहेंगे दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। याद करिएगा, जीरो ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल के, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता था और सेकंड ऑर्डर में टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 2A ले लिया और ये प्रोडक्ट में चला गया, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं एक तरह से, तो इसका डिफरेंशियल रेट लिखना है तो आर इक्वल टू माइनस डी सी ए, या एक्टिव मास के टर्म में लिखेंगे माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। और देखिए, माइनस साइन तो आपको पता ही होगा क्यों लगा है, क्योंकि बताइएगा कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का लगातार डिक्रीज करता है, और इक्वल टू के ए की पावर 2 है। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर में ए की पावर 1 था, जीरो ऑर्डर में ए की पावर 0 था, यहाँ पर 2 है, ये डिफरेंशियल रेट ला हो गया। यूनिट निकालना है तो यूनिट के लिए हमने आपको nth ऑर्डर के लिए फार्मूला बताया था, मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर n माइनस 1, टाइम की पावर माइनस 1, तो n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की जगह पर 2 रख दिया और देखिए निकल गया मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर 1 और टाइम की पावर माइनस 1। अच्छा, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट ला डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है, तो थोड़ा सा खाली इसके बारे में बताना था। तो इंटीग्रेटेड रेट ला आपको डायरेक्ट बता देते हैं, के इक्वल टू होगा 1/T और ब्रैकेट में 1/80 माइनस 1/A0। ए टी है कंसंट्रेशन एट टाइम टी और A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इंटीग्रेटेड रेट ला है। इसको डेराइव हम लोगों ने नहीं कराया, डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया आपको, क्योंकि ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बताना था। हाँ, एग्जाम्पल इसके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अमोनियम साइनेट आपको दिखता होगा, अमोनियम साइनेट से हीट करके यूरिया बनाते हैं, ऐसा दिखता होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो याद रखिएगा ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा है कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी सेकंड ऑर्डर की होती है, कंडेंसेशन में बहुत सारा है, एल्डाल कंडेंसेशन है, एस्टर कंडेंसेशन है, वो सब है। और देखिए, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता था वो फर्स्ट ऑर्डर का होता था, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों पर डिपेंड करेगा, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जाना, और चलिए अब हम लोग हाफ लाइफ के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं और हाफ लाइफ की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ होता है, तो हाफ लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और आपको हाफ लाइफ के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि हाफ लाइफ होती क्या है। तो सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। कहेंगे द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड, यानी वो टाइम जिस पर किसी भी रिएक्टेंट का आधा, यानी आधा बचे, यानी कहेंगे टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, यानी अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाए, हाफ रह जाए, वो कहलाता हाफ लाइफ, वो टाइम कहलाता हाफ लाइफ। अब जैसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं, तीनों हम लोगों ने पढ़ा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर आज ही पढ़ा है, तो पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए आपको फार्मूला पता है, इंटीग्रेटेड रेट ला का, के इक्वल टू 1/T ब्रैकेट में 1 बताइए A0 माइनस A
नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। अच्छा, अगर हम लोगों ने टी को टी हाफ ले लिया, इसका मतलब टाइम को हम लोगों ने हाफ लाइफ के इक्वल कर दिया, तो आपको पता है जो कंसंट्रेशन होगा ए का वो कितना रह जाएगा, इनिशियल का आधा, इनिशियल का आधा, इसका मतलब ए नॉट डिवाइड बाई टू हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद देखिए टी की जगह पर टी हाफ हो गया, ए की जगह पर ए नॉट बाई टू हो गया, के निकल गया ए नॉट डिवाइड बाई टू और ब्रेकेट में वन अपॉन टी हाफ। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख रही होगी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट के, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के। और एक बात आपको पता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो बताइएगा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख भी दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन बट हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब हाफ लाइफ क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये फार्मूला याद रखिएगा आप, हाफ फार्मूला क्या, आपको इंटीग्रेटेड रेट ला अगर पता होगा तो आप हाफ लाइफ तुरंत निकाल लेंगे आसानी से, उसमें टी की जगह पर टी हाफ और जो कंसंट्रेशन है जो बताइए टाइम टी पर वो इनिशियल का कितना रह जाएगा, आधा, क्योंकि आपने हाफ लाइफ ले लिया है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखते हैं तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट ला क्या है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई ए है। अच्छा, टाइम को हम लोगों ने टी हाफ के लिए लिया, मतलब हाफ लाइफ के लिए लिया, तो ए जो हो गया ए नॉट डिवाइड बाई टू हो गया, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया, तभी तो हाफ लाइफ आएगा। अब ये वैल्यू रख के हम लोगों ने निकाला तो देखिए ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग बेस 10 टू और लॉग 10 टू की वैल्यू आप। अच्छा, एक बात बता दें, ये भी फार्मूला आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट कई जगह पर यही लग जाता है और इससे आंसर निकालना आसान हो जाता है। हाँ, अगर लॉग 2 की वैल्यू रख दें तो 0.3010 होगा और ये मल्टीप्लाई करने पर 0.6931 डिवाइड बाई टी हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा होगा जो टी हाफ है वो वहाँ कहीं पर बताइएगा हाफ लाइफ के फार्मूले में कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब टी हाफ क्या होगा, ए नॉट की पावर क्या होगा, जीरो, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि याद रखिएगा रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन बट हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे खुद से निकाला करिए। इंटीग्रेटेड रेट ला पता हो तो आप हाफ लाइफ रख के निकाल सकते हैं। चलिए, आज ही हमने आप लोगों को पढ़ाया था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ाया था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए के इक्वल टू 1/t और ब्रैकेट में 1/80 माइनस क्या हो गया ए नॉट है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से आप बताइएगा टी इक्वल टू क्या रखेंगे, टी हाफ के रखेंगे और ए की जगह पर ए नॉट डिवाइड बाई टू रख दिया यहाँ पर देखिए आ गया के इक्वल टू 1/t हाफ और ब्रैकेट में 1/ ए नॉट क्या आ गया। यहाँ पर जो टी हाफ है ध्यान दीजिएगा इनवर्स रिलेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन, और याद रखिएगा इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि हाफ लाइफ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन और साथ साथ हाफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम लोग करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अ रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कंप्लीटेड 99.9% इन 30 मिनट, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन दिए होंगे 99.9%, कभी 75%, कभी 87.5%। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे निकालना ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इंटीग्रेटेड रेट डाल दिया के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। अब सुनिए टी 99.9%, तो 2.303 डिवाइड बाई के 99.9% अगर कंप्लीट होगा, इसका मतलब अगर इनिशियल परसेंटेज में ले रहे हैं तो इनिशियल ए जो हम लोगों ने लगा इसका इनिशियल ए ले लिया 100 और नीचे ए माइनस एक्स रखना होता है क्योंकि ऊपर ए नॉट डिवाइड बाई ए रखना होता है, तो ए नॉट डिवाइड बाई ए रखेंगे तो ए नॉट की जगह पर स्मॉल ए रख सकते थे, हम लोगों ने पीछे पढ़ाया है, और ए की जगह पर ए माइनस एक्स रखते तो 100 माइनस 99.9 हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 0.1 हो गया, यानी 10 की पावर 3 हो गया। यहाँ पर देखिएगा
99.9% जो आ गया 2.303 डिवाइड बाय k log बताइएगा 10 की पावर 3 है तो ये आ जाएगा 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, यानी यहां पर 3 आ गया। log थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर log m की पावर n है तो n log m हो जाता है। जैसे यहां पर जो था, यहां पर क्या था, log m की पावर n था, तो log m की पावर n क्या होगा, n log m हो जाएगा, यही फार्मूला है। तो देखिए log n की जगह पर 3, अब 3 आ गया, 3 log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। इस तरह से यहां पर हम लोगों ने, अब देखिए आपको यहां बताते हैं t 50%, क्योंकि हाफ लाइफ से कंपेयर करना है, तो आप t 50% निकाल लीजिए। अभी पीछे निकाला था 2.303 डिवाइड बाय k log 10 a डिवाइड बाय a माइनस x, a की जगह पर 100 रख दिए और यहां पर x की जगह पर 50 रख दिए, 50% डिसोसिएट होगा, जाहिर सी बात है यहां पर हाफ लाइफ में इनिशियल का आधा रह जाता है, आपको पता है। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए t 50% जो आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय k log बेस 10, यहां पर 2 आ गया, इसका मतलब 0.3010 यहां पर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन t 99.9 को t 50% से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो देखिए 2.303 डिवाइड बाय k, और यहां पर भी 2.303 डिवाइड बाय k, ऊपर है 3 और नीचे 0.3010, और ये पूरा यहां पर कैंसिल हो गया। और देखिएगा अगर 0.3010 को अप्रॉक्स हम लोग 0.3 ले लेते हैं तो t 99.9% जो हो गया वो 10 टाइम्स हो गया t हाफ के। अब आपको देखिएगा 99.9% जो होती थी रिएक्शन कितनी टाइम में कंप्लीट होती थी, 30 मिनट में कंप्लीट होती थी, t हाफ यानी t 50% आपको निकालना है, तो 30 डिवाइड बाय कितना हो गया t 99.9%, 10 बताइएगा, आप खुद चेक करिएगा, t 50% यानी t हाफ निकालना है तो t 99.9% डिवाइड बाय 10 होगा, t 99.9% जो है वो कितना है भाई आपका, तो देखिए t 99.9% 30 मिनट दिया, 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, इसका मतलब t हाफ यानी t 50% जो हो गया आपका 3 मिनट के आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, हमने आपसे कहा भी था और इसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह के एक और क्वेश्चन लगवाते हैं। देखिए आर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कंप्लीटेड 75% कामा 87.5% इन 32 कामा 48 मिनट, इस्टेब्लिश द रिलेशन विथ हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ से रिलेशन निकालना है। अब फिर से हमको क्या, जैसे हम लोगों ने t 99.9% निकाला था, हम लोग t 87.5% निकालेंगे, तो t 87.5% हम लोग निकालेंगे, a की जगह पर 100 और x की जगह पर 87.5 हो गया, वो उसी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में हम लोग रखेंगे, और t 87.5% यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा log बेस 10 8 आ गया, 8 को आप 2 की पावर 3 ले सकते हैं, फिर log m की पावर n से यहां पर 3 log 2 हो गया। अब इसी तरह से रखते हैं, और t 50% पीछे निकाला ही था आपका, वो पीछे से देख लीजिएगा 2.303 डिवाइड बाय k log बेस 10 2 है, डिवाइड कर देंगे तो यहां पर देखिए आ गया t 87.5% 3 टाइम्स ऑफ t 50%, इसका मतलब t 87.5% आ गया 3 टाइम्स ऑफ t हाफ के। अच्छा इसी तरह से हम लोग t 75% भी निकाल लेंगे, a की जगह पर 100 और x की जगह पर 75 रख दिया, 4 आ गया, और 4 यानी बताइए क्या हो गया, 2 की पावर 2, तो 2 log 2 आ गया यहां पर। फिर यहां पर आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, t 50% से डिवाइड कर देगा t 75% जो आ रहा है 2 इंटू t 50% के आ रहा है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चन थे, आप कर लीजिएगा, हमने इसलिए यहां पर दिखा दिया। चलिए इस लेक्चर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ के लिए लास्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस kt, t 3/4, इसका मतलब t 75% आकर 2 इंटू टी हाफ के दिया, अभी पीछे निकाला था, जो ये तो सही है, और थर्ड यूनिट ऑफ के टाइम की पावर माइनस 1 और फोर्थ यहाँ पर आल है। अच्छा एक बात देखिएगा, पहला वाला अभी हम लोग नहीं चेक करते हैं, लेकिन t 75% अभी देखिएगा, अभी पीछे हम लोगों ने निकाला t 75%, आप देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी t 3/4 2 टाइम ऑफ टी हाफ के निकला है, तो ये तो करेक्ट है, आप पीछे से यहाँ पर देख सकते हैं। और यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है यहाँ पर टाइम की पावर माइनस 1 होती, बिल्कुल करेक्ट है, मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम की पावर माइनस 1 में n की जगह 1 रख के देख लीजिएगा, nth ऑर्डर के लिए हम लोगों ने k बताया था, टाइम की पावर माइनस 1 से भी इसके लिए सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स ही निकलता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये देखिए हमने यहाँ पर निकलवा भी दिया है आपको, से चेक कर लिया। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, दो ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट हो गए, इसका मतलब अब अगर आप ना भी चेक करें तो ऑल ऑप्शन ही करेक्ट होगा, लेकिन ये तो एग्जाम के लिए यहाँ तो हम लोग बता देते हैं। अब एग्जाम में आप क्या करिए, ये दो तो आप धड़ाधड़ चेक कर लिया आपने,
तीसरा अपने आप ही सही हो, इसका मतलब तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑप्शन दिया हुआ तो वो सही हो जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, के टी इक्वल टू आपका हो गया लॉग बेस 10 की जगह पर लॉग बेस ई ले लिया तो 2.303 गायब हो गया, इसका मतलब ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स यहाँ पर पूरा हो गया। आप देखिएगा 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स अगर हमने कर दिया, अच्छा ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए कर दिया तो पावर आप जानते हैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए क्या हो गया, ई की पावर माइनस के टी के हो गया। जैसे एक बार बताइए लॉग एम है और अगर हम उसको लॉग वन अपान एम करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर बता दें कि अगर लॉग एम आपका है यहाँ पर और इसको हम लोगों ने लॉग और वन अपान एम करते हैं, लॉग लॉग का रूल कभी आपको हम बता देंगे, जिनको नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेंगे कि सर आप हमको लॉग नहीं आता, एक लेक्चर आप लॉग का बना दिए, एक दो लेक्चर जिसमें हम लोग पूरा सीख जाएं। अगर आप लोग को आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर हमसे कह दीजिएगा, सर कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना आपका ज़रूरी होगा, वरना हम लोग कैसे जान पाएंगे, हवा में तो नहीं जान पाएंगे ना, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपको ये आता कि नहीं आता है। तो याद रखिएगा लॉग एम को वन अपॉन एम करते तो माइनस यहाँ पर आ जाता है, हो गई आपको। और अब देखिएगा यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर किया और चेक करिए, अब यहाँ पर देखिएगा a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, क्योंकि आप खुद देखिएगा लॉग जब हटाएंगे तो एक्सपोनेंट उधर की तरफ आ जाएगा, और a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए है, a बाई ए हो गया 1 और x डिवाइड बाई ए आ गया यहाँ पर e की पावर माइनस के टी है, x बाई ए निकालेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस के टी हो गया। और आप जानते हैं जो x अल्फा होता है वो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल होता है, तो ये अल्फा ही तो दिया हुआ है, अल्फा निकल गया 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी के, और टी 75% हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है पीछे की तरफ 2 इंटू टी हाफ, यहाँ गलती से जरा बताइएगा यहाँ पर लिखा हुआ 3 इंटू टी हाफ, तो इसको हम लोग बदल देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 2 इंटू टी हाफ, तो यहाँ पर 2 होगा तो 2 इंटू टी हाफ हो गया, तो ये हमने चेंज कर दिया देखिए आपका। और अब देखिए इसका मतलब सारे के सारे करेक्ट हैं, इस तरह से आज हम लोगों ने देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर थोड़ा सा पढ़ा जो कि बहुत ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ लिया, हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने पढ़ा, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी याद करिए हम लोगों ने पहले रेट के क्वेश्चन लगवाए थे, फिर हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के थोड़े क्वेश्चन लगवाए थे, आज हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन लगवाए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, और अभी आरएनएस इक्वेशन भी बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड बताइएगा रेट कॉन्स्टेंट ये भी बचा हुआ है। इस चैप्टर में अभी कम से कम 4 to 5 लेक्चर होंगे। एक बात आपको बता दें, जितने भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो, पीडीएफ को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, आप उसे स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये सारे काम आप लोग के लिए किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका, अनलॉक वन आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है कोचिंग में, तो ये हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। और आप लोग खूब मेहनत करिए, लापरवाही नहीं करनी होगी, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन तक हमारा मैसेज ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कोचिंग के हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं और ना ही वो कोई हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है वो खुद में इतने ही काबिल हों, या हो सकता है उन्हें कोई ऐसी ऐसा कोई जड़ी बूटी मिल गई हो जिससे वो बहुत आसानी से बिना कुछ पढ़े हुए कंपटीशन निकाल सकते हो, आईआईटी और नीट निकाल सकते हो, तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ मिला हो तो हमको भी दे दीजिए, तो हम लोग भी जो है उसको अपने बच्चों को दे देंगे और बच्चों को भी। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा जादू मिल गया है जिससे आप बिना पढ़े सेलेक्ट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, वो हमें भी बताइएगा। और बाकी आप लोग पढ़िए जमकर, और जमकर मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, यहाँ के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।